भाई हमने कहा आंधी आए तूफान आए, अब पिकनिक प्लान बन गया है तो बन गया, तो भाई ये देखें ये हाल है इस वक्त, अभी हमारे पूरे जाने वाले और ये हाल है और हम फिर भी जा रहे हैं। ये होता है एडवेंचर पिकनिक हो रही है हमारी, देखें तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये हट हमने आज बुक करवाया है और हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। और ये साइन स्पीड है और ये व्यू चेक करें, अभी हम यहाँ से आ गए हैं और ये है हमारा जो आज हमने यहाँ पर ये हट बुक किया है और ये है एक रूम। और आते ही भाई यहाँ पर सामान रख दिया गया है, भाई ये एक रूम है और भाई यहाँ पर है ये एक रूम, सात वॉशरूम, भाई ये पूरा किचन एरिया यहाँ का और ये पूरा यहाँ पर है डाइनिंग मतलब बैठने का आराम से। और भाई ये है व्यू, ये रहा हर्ट और सामने समंदर और ये रहा समंदर का। आते ही सबसे पहले जो वो क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है और अम्मा का कैच छोड़ दिया बेटे ने, ये जो है हमारी सिस्टर ने मारा शॉट और वो विकेट, और ये एक बेचारा बच्चा ये जो मेरा कैमरा मैन है ये आज सिर्फ बॉलमैन बना हुआ है, ये उतर उतर के जा रहा है और बॉल लेके आ रहा है। चले भाई और ये ओ हो कहाँ गई बॉल, चले भाई अब ये क्रिकेट मैन है। ये सामने हमारा हर्ट है और भाई हम आ चुके हैं नीचे। आज कराची में जो है ना बहुत ही जोरों शोर से बारिश थी, मैं कहा हम प्लान जो है ना वो पोस्टपोन नहीं करेंगे और हम पहुंच गए हैं इतने खूबसूरत से साइंस स्ट्रीट बीच पे। और कितनी मतलब हमें हर वेदर को एंजॉय करना चाहिए और मतलब कि तो छुट्टियाँ आई थी इतनी सारी, वन वीक की छुट्टियाँ आई तो हमने सोचा क्यों ना उसको जो है अवेल किया जाए। फर्स्ट टाइम जो होना मैं ये डाइनिंग ट्राई कर रही हूँ, मैंने कहा आज मैं बन जाती हूँ थोड़ी सी हलीमा सुल्तान और मैं आज ट्राई कर रही हूँ, और डर भी लग रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय आ रहे हैं, एक तो वेदर बहुत आउटस्टैंडिंग है, दैट इज लाइक ए व्यू यहाँ का देखें। और सबसे बड़ी मज़े की बात जो है ना यार क्राउड नहीं है, मतलब क्राउड नहीं होता ना उसकी साइड पे, बहुत आसानी से इंजॉय करते हैं। काफ़ी देर में पानी में रही और फिर मैं उसके बाद जो है मैंने सोचा चलो मैं वापस ऊपर आ जाऊं और थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करूं, कुछ खाना अभी खाएंगे हम एंड देन फिर दिल चाहेगा फिर पानी में चले जाएंगे। अभी सब बाहर गए हैं, हमने सोचा कुछ है खाने पीने को, तो भाई इसमें बिस्किट है, स्नैक्स ब्रेड एंड खाना भी हमारा उधर है, हम बना के लेके आए थे मटर पुलाव और यहाँ पर पार्टी ऑन है भाई, ये हम बना के लेके आए थे कढ़ाई गोश्त और पार्टी ऑन है भाई। खाना तो हो रहा है यहाँ एंजॉय, अंदर सब क्या खाएंगे समंदर के किनारे इस तरह बैठ के खाना खाने की तो बात ही कुछ और है भाई। सही बात है एक बाइट चखूं, ये बताएं मैंने कैसा बनाया है, आप खिला दें अपने हाथों से। मज़ा आ गया भाई, समंदर के किनारे गर्म गर्म खाना मिल जाए उसका जायका ही अलग हो जाता है। अब जो है वो चाय का सीन ऑन है और मैंने जो है सबके लिए चाय चढ़ा दी है और हमारी पूरी फैमिली खाना खाने के बाद जो है वो नीचे जाके चिल मार रही है पानी में, रिलैक्स हो रहे हैं सब समंदर में। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे तीनों, डड्डे में खेलने आप लोग,
मुस्तफा मुस्तफा व्हाट आर यू डूइंग ओहो वाटर में नहीं जाना वाटर में सनबाथ ले रहे हो आप मुस्तफा आप सनबाथ ले रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई ये शाम का व्यू शाम हो रही है आस्ता आस्ता और हम यहाँ पर स्टे करेंगे मगरिब तक हम यहाँ से सनसेट देख के ही जाएंगे ये हम टॉप पे आ चुके हैं ये इस तरफ का व्यू है भाई हम दिखाते हैं आपको उस तरफ का व्यू और ये सनसेट और भाई ये रहा ऊपर से पूरे समंदर का व्यू जबरदस्त